सकूंगी। ऐसा ही सबको सोचना चाहिए कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको नहीं खोना। आओ इट्टू यहाँ जाओ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ वीवी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे जहाँ के भी होंगे। और मैं आई थी अभी छत पे, बाबू को लेके आई हूँ क्योंकि बाबू के हो रहे थे ना पैर में स्वेलिंग आ गई है, दर्द हो रहा है, जैसे कि आपने नेक्स्ट पिछले ब्लॉग में देख लिया। तो इसको थोड़ा सा अब मैंने सिकाई वगैरह किया है ना, तो थोड़ा सा ये कम्फर्टेबल फील कर रहा। दिखाते हैं पहले उसको, देखिए बाबू है और लक्की है, दोनों खेल रहे हैं। मुझे लगा कोई आवाज दे रहा है। तो बस और मनीष जी को मैं देख के आई हूँ इवनिंग का, जो थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं वो। अब जा रही हूँ, मैं बनाऊंगी ओट्स बाबू के लिए, बाबू को खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा, थोड़ा ही खाऊंगी, ज्यादा नहीं खाऊंगी। तो बस और आज डे है वेनसडे, हाँ आज वेनसडे है और हो सकता है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से सैटरडे को। सच में मन नहीं है लेकिन फिर भी जाना तो है ही, क्योंकि वहाँ पे भी सब कुछ है। ऐसे ही मैंने उस दिन जल्दी जल्दी में जो विंडो है वहाँ पे मैंने पर्दा वगैरह कुछ भी गेट वेट बंद नहीं की थी, पूरा धूल धूल होगा, जाके सफाई करने में हालत खराब हो जाएगी। तो नहीं मंडरा लाडो मंडरा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी बहुत देर में। तो यहाँ पे मैंने फोन को कर दिया है सेट और मौसम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हो रखा था, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मैं ऐसे ही घूम रही थी, बाबू के साथ खेल रही थी। आने के बाद मैंने बनाया है बाबू के लिए ओट्स, जो कि मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी, तो मैंने बना लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको ठंडा करना है, ठंडा करके तब उसको खिलाऊंगी मैं। कूलर के सामने ही इसीलिए मैं लेके बैठी हूँ ताकि इजिली ठंडा हो जाए, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे मैं और मम्मी पी रहे हैं चाय, इवनिंग का चाय, क्योंकि इवनिंग में चाय या कॉफी कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो बस मैं और मम्मी, बहुत अच्छा वो लग रहा है ना आप देखने में, मैं एडिट कर रही हूँ ना तब मुझे देख, मतलब अब ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं लगता ना। मैंने ऊपर बैठी थी, मम्मी फिर नीचे की तरफ बैठ गई, यहीं पे चाय लेके हम बैठ गए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बैठ जाते हैं। मम्मी लगा रही थी अपने बालों में तेल, तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, बोली नहीं आज हल्का ही लगाना है, मैं खुद लगा लूंगी। तो वही बस टीवी देख रहे हैं और चाय पी रहे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी क्या है वो है दाल पिट्ठी, बिहार का फेमस रेसिपी है, जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे अरहर और मसूर दाल को धो के कुकर में डाल रहे हैं। आप चाहे तो खाली मसूर दाल या फिर खाली अरहर का भी बना सकते हैं। ये मिक्स रखा हुआ था इसीलिए मम्मी ने मिक्स डाला। इस दाल में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ हल्दी रखना है, थोड़ा सा तेल और नमक डालना है, जैसे सिंपल दाल हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे आटा गूंदने के बाद बना रही है, पिट्ठी की तैयारी कर रही है। और मैंने बोला था मैं बना देती हूँ, तो मम्मी कह रही है नहीं माँ बेटी मिलके नहीं बनाती है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बनाई हूँ। तो मम्मी को देख सकते हैं किस तरीके से बना रही, छोटी छोटी लोई करने के बाद बस ऐसे ही बना रही है। मुझे तो वैसे भी नहीं आता है बनाने, गोल गोल ही मैं बना के रख देती, ये सब मैं कभी नहीं बनाती हूँ, मम्मी यहीं आती हूँ तो खाती हूँ, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आता, उतना टाइम कौन लगाएगा, बाबू के साथ पॉसिबल ही नहीं होता है। तो आप चाहे तो जैसे भी आपका मन हो उस तरीके का आप इसको शेप दे सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो यहाँ पे ये समोसा वाला शेप दे रहे, फूल बन रहा है, ये समोसा नहीं फूल बन रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बनाने वाले बहुत पतले पतले भी बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे। मैंने कहा नहीं मम्मी इतना टाइम नहीं है, जैसे बनाते हो वैसे ही बना लो, बस फटाफट बना लो, क्योंकि गर्मी इतनी है और इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है। और अगर एक मतलब ज्यादा लोग हैं तो बैठे बैठे बना लेते हैं, मतलब माँ बेटी नहीं बना सकती है, बाकी और भी रिलेटिव जैसे कि देवरानी जिठानी हो गई, इस तरीके से बना लेते। तो पूरा पिट्ठी बन के तैयार है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारा लग रहा है ना, फूल गोल और फिश आकार में। तो यहाँ पे दाल बन के रेडी है गाइस। बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को शूट करने में और क्लिप लेने में, तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि नाइट का टाइम था, लाइट भी जा रही थी, बाबू को भी देखना था और मम्मी बना रही थी, मुझे शूट भी करना था।
तो मम्मी मेरी वजह से रुक रुक के भी बना रही थी ताकि मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। थोड़ी थोड़ी मिस भी हो गई है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाल को उबाल, दाल में अच्छे से उबाल आ गई है गर्म पानी डालने के बाद। तो सारे पिट्ठी को रख देंगे और आप लोग चाहे तो इसको जो छौंका लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, चाहे तो प्याज टमाटर हींग वगैरह से लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल पसंद है। शुरू से ही सिंपल खाए हैं इसीलिए सिर्फ जीरा और लहसुन डाल के बहुत स्वाद लगता है। चाहे तो हींग यहाँ पे डाल सकते हैं, हींग था नहीं इसीलिए हींग नहीं डाले, तो हींग डालते हैं। वैसे अनियन टमाटर वगैरह रख के वो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग शुरू से यही खाए हैं। तो ये नाइट का है हम लोगों का डिनर, हेल्दी सिंपल सा, बहुत टेस्टी लगा था खाने में। बहुत ज्यादा इसके साथ बना था आलू का भुट्टा, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए बन के रेडी है। आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगता है खाने में। तो चलिए एक लाइक तो बनता है गाइस, खाना बन गया है। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे, मम्मी बाबू को लेके गई है छत पे, तो मैं कर रही हूँ कपड़ों की फोल्ड, क्योंकि ना छत से कपड़े लाके सीधा यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि उस वाले रूम में इतनी स्पेस नहीं होती है ना, यहाँ पे रख देते हैं, फिर थोड़ी बहुत देर बाद जब मन हुआ तब इसको फोल्ड कर लिए। तो बस वही मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के, और कुछ वीडियो वगैरह भी एडिट करना है तो मैंने सोचा कि पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगी। तो चलिए गाइस गुड नाइट, मिलूंगी आप लोगों से मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बाय नहीं बोल रही अभी, सिर्फ गुड नाइट बोली हूँ, अभी नाइट का टाइम है, अभी डे में मिलूंगी आपसे, ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा, जाना नहीं है आप लोगों को। तो चलिए फटाफट मैं कपड़े को। हे गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मॉर्निंग कल नाइट के बाद मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से। यस अब मिल रही हूँ, क्योंकि ना बाबू बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, उसका पैर मतलब सूज गया है, आप लोग देखे हैं आज वाले ब्लॉग में कि किस तरीके से उसको इंजेक्शन लगा है, और दो लगता है, तो बच्चे अभी जो चलता भी है ना तो थोड़ा सा वैसे होके चलता है। तो बस मैं बैठी हूँ यहाँ पे, करूंगी, मैंने आज अपना फिट को साफ किया है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से अपना फिट क्लीन करती हूँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने आज फिट, और थिनर नहीं है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, थिनर था इसीलिए मैं ली नहीं, मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा नेल पेंट लगा हुआ है तो उसी के ऊपर लगा लूंगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लूंगी, और वही बिछिया पहनूंगी मैं और नेल पेंट लगाऊंगी गोल्ड वाला, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा और बातें भी करनी थी यहाँ पे, आज मैंने देखा इधर पीछे मतलब यहीं पे देखी थी, एक लेडी और एक हस्बैंड थे, हाउस वाइफ मतलब हाउस वाइफ ही होगी ऑब्वियसली वो, तो उसके हस्बैंड इस तरीके से उससे बात कर रहा था और रास्ते में मतलब उसको मार भी रहा था। अब ये नहीं पता किस रीजन से ऐसा कर रहा था, वो मैं सूट क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है इस तरीके से दिखाना वाइटी पे, इसीलिए मैंने सूट नहीं की, नहीं तो दिखाती। मुझे सच में पर्सनली बहुत बुरा लगा यार, औरत है गुलाम नहीं है, औरत की रिस्पेक्ट करो, कोई भी हो, किसी की भी औरत कैसी भी, चाहे वो रिलेशन में आपकी माँ लग रही हो, बीबी लग रही हो, बहन लग रही हो, बुआ कुछ भी लग रही हो, चाहे कुछ ना भी लगे, एक औरत का रिस्पेक्ट करना जरूरी है, सच में लोग करते नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है, और वो मतलब हस्बैंड वाइफ ही थे, और इस तरीके से उसको बीच रास्ते पे घसीट के लेके जा रहा था, मार भी रहा था, वो चुपचाप बेचारी पिट रही थी क्योंकि वो औरत है इसलिए। लेकिन ऐसा सच में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मेरे साथ कभी इन फ्यूचर भगवान ना करे किसी भी लेडीज के साथ हो, अगर पर्सनली मैं बताती हूँ मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ऐसा ही सबको सोचना चाहिए कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको नहीं खोना चाहिए, चाहे वो औरत पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, सबको इतना पता होता है सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। लेकिन वही है, कुछ लोग पति परमेश्वर होते हैं यही सोच के जो बैठ जाते हैं, बस यही चीजें होती है, और उसी का गलत फायदा लोग उठा ले जाते हैं। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से नेल पेंट और बिछुआ पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को, म्यूजिक के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए